हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे ऐसे पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन RTE 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज अ लेजिस्लेटिव मेजर एंड एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एम टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14। एज अ रिटन डॉक्यूमेंट RTE एक्ट 2009 इज डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स। जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, ये उन बच्चों के लिए कंपलसरी किया गया था जिनकी एज 6 से 14 के बीच में है। उनके लिए ये एजुकेशन कंपलसरी थी, सबके लिए लेनी जरूरी थी और ये फ्री थी। इसके लिए कोई भी किसी भी तरह के चार्जेस या पैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं ले सकते थे। उनके रिगार्डिंग उन्होंने ये एक्ट बनाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये जो एक्ट था, इसको 26 अगस्त 2009 में प्रेसिडेंट से असेंट मिला था और इसको इंडिया गजट ऑफ इंडिया में 27 अगस्त 2009 में पब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर 7 चैप्टर्स लिखे गए। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, प्रोवाइड लीगल मीनिंग्स टू द टर्म्स यूज इन द एक्ट। चैप्टर 2 राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। चैप्टर 3 ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स। क्या क्या मतलब उनके रूल्स क्या है, क्या पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है या क्या राइट्स हैं बच्चों के एजुकेशन के रिगार्डिंग, कंपल्सरी से क्या मीनिंग है, क्या उनके राइट्स हैं, कहाँ तक वो क्लेम कर सकते हैं। चैप्टर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, स्कूल और टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब चैप्टर 4 के अंदर डिस्क्राइब की हुई है, जैसे एक्सप्लेन की हुई है। चैप्टर 5 करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। चैप्टर 6 प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। चैप्टर 7 मिसलेनियस। In the end schedule also has been provided and listing norms and standards for the schools forced to implement the act. Next is main provisions lying in this act are, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया था उसके मेन प्रोविजंस क्या थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनमें से सीटेट में से कुछ क्वेश्चंस बन के भी आ जाते हैं कि RTE एक्ट में ये चीज़ शामिल थी या नहीं थी। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट इज राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं ले रहा है तो उसका क्या कारण है, अगर उसको लेबर वर्क कराया जा रहा है तो उसके लिए जो व्यक्ति उसे लेबर वर्क करवा रहा था या श्रम करवा रहा था उसको सजा भी लिखी हुई थी कि कितनी से कितने व्यक्ति उसको सजा देनी होगी और क्या उसको फी पनिशमेंट मिलेगी। तो एवरी चाइल्ड ऑफ आर ऑफ 6 to 14 ईयर शैल हैव अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड नेबरहुड स्कूल टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हियर इट शुड ऑल्सो बी क्लियर दैट नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस और एक्सपेंसेस विच मे प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परसुइंग एंड कंप्लीटिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन। स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कम्प्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जिसने एडमिशन नहीं ली थी, जो 6 साल से ऊपर के बच्चे थे और उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन भी कम्प्लीट नहीं की थी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन था कि उनको स्कूल में एडमिशन मिलनी चाहिए। वेर अ चाइल्ड अबव 6 ईयर्स ऑफ एज हैज नॉट बीन एडमिटेड इन एनी स्कूल और टू एडमिटेड कुड नॉट कम्प्लीट हिज और हर एलिमेंट्री एजुकेशन, देन ही और शी शैल बी एडमिटेड इन अ क्लास एप्रोप्रिएट टू हिज हर और एज। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा जो कि 6 ईयर से अबव है, उसने एडमिशन नहीं ली है या उसने एडमिशन ले ली पर किसी कारण से 8 या 9 एज का होने पर उसने स्कूल को छोड़ दिया, उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट नहीं की थी, तो उस बच्चे को उस एज के अकॉर्डिंग जिस क्लास में होना चाहिए उस क्लास में ही एडमिशन देनी होगी और उसका जो सिलेबस है उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से कवरअप करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स। नेक्स्ट इज राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल्स, कि अगर किसी और स्कूल में एडमिशन लेनी है, चाहे वो रीजन कुछ भी है, क्या किसी क्लास को बिलोंग करने कारण है या किसी स्कूल में बिलोंग करने की वजह से है या उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है या किसी भी रीजन से है, उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने का राइट है। विद इन अ स्कूल देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अ चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू सीक ट्रांसफर टू एनी अदर स्कूल एक्सक्लूडिंग द स्कूल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफाइड कैटेगरी एंड एन अनएडेड स्कूल नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ ग्रांट्स टू मीट इट एक्सपेंसिस फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। वेर अ चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर इधर विद इन अ स्टेट और आउटसाइड फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, सच चाइल्ड शैल हैव राइट टू सीक द ट्रांसफर टू एनी अदर स्कूल एक्सक्लूडिंग द स्कूल बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी और अनएडेड स्कूल। बच्चों को राइट है कि वो विद इन अ सिटी या आउट ऑफ स्टेट स्कूल को चेंज कर सकती हैं। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स और गार्डियन टू एडमिट और कॉज टू बी एडमिटेड हिज और हर चाइल्ड और वॉट एज अ केस मे बी टू द एलिमेंट्री एजुकेशन इन द नेबरहुड
स्कूल्स की पेरेंट्स और गार्डियंस की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल चेंज के लिए या उस बच्चे के स्टडी के लिए, उस पर ध्यान दें। Sharing of financial and other responsibility. The central government and state government shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provision of this act. कि जो भी funds होते हैं in government, क्योंकि बच्चों को free education दी जाती है तो teacher की pay है या कुछ और act, बच्चों को जो activities करवानी है उसके लिए जो भी expenses हैं वो सब state government और central government आपस में decide करते हैं. There is a sharing of financial and other responsibility. Next is duty of appropriate government or local authority to establish a school. For carrying out the provision of this act, the appropriate government and local authority shall establish within such area or limit of neighborhood as may be prescribed the school, but it is not so established within a period of 3 years from the commencement of this act. 3 साल के अंदर अंदर जहाँ पे कि स्कूल बनना चाहिए था विदिन द एरिया के इतने गैप के बाद एक स्कूल होना चाहिए ताकि आसपास के बच्चे जो हैं उनको दूर स्कूल दूर होने की वजह से वो ना जा पाए, ऐसी कोई रीज़न ना मिले और उनको स्कूल की प्रोवाइड कराया जाए. जैसे प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन. फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन द एज ऑफ अ चाइल्ड शेल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 और ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. नो चाइल्ड शेल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ. कि उनको अगर एडमिशन देनी है या तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे दी जाए या मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कि पेरेंट्स की इस टाइम पे मैरिज हुई थी तो उस अकॉर्डिंगली उसके जो भी बर्थ बनता है उसमें उस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी नॉर्म्स या रूल्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चे को एडमिशन दी जाए. बट अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो उसको ये ना हो कि एडमिशन ना दी जाए, किसी भी बच्चे को एडमिशन लिए बिना नहीं छोड़ना है, उनको एडमिशन दिलवाना ही दिलवाना है चाहे रीजन कुछ भी है, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन विद अ व्यू टू प्रिपेयर चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 3 ईयर्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री प्री स्कूल एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन. कि जो बच्चे 3 साल से ऊपर और 6 साल से नीचे हैं उनके लिए फ्री प्री स्कूल एजुकेशन का अरेंजमेंट करें. नेक्स्ट इज नो डिनाइल ऑफ एडमिशन. कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन ना दी जाए. अ चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन अ स्कूल एट द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड दैट नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इफ सच एडमिशन इज सॉट सब्सिक्वेंट टू द एक्सटेंडेड पीरियड. कोई भी रीजन हो बट एडमिशन डिनाइ नहीं होना चाहिए. स्कूल डेवलपमेंट प्लान. एवरी स्कूल कमेटी शैल प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. द प्लान सो प्रिपेयर विल वर्क एज अ बेसिस फॉर ग्रांट सेंक्शन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज. जो भी स्टेट की हैं या लोकल बॉडीज जो भी हैं उनके अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए कि स्कूल किस तरह से काम करेगा. प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन. No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education. कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना या उसको पीछे एक ही क्लास में 2 साल नहीं लगवाने हैं. उनका जो भी जहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट से इवेल्युएट किया जाए या उनको जो भी अलग तरह के क्लासेस लेकर उनको अच्छे से प्रॉपरली तैयार किया जाए. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड. कि बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट नहीं करना है और दूसरा मेंटली हरासमेंट नहीं देना है कि उनको बहुत ज़्यादा दे दिया, उनको प्रेशराइज कर दिया, किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी क्लास में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर. कि टीचर्स के लिए जो भी आपको अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए जो भी क्वालिफिकेशंस रूल्स बनाए हैं वो होने ज़रूरी हैं. Any person possessing such minimum qualification as laid down by an academic authority authorized by the central government by notification shall be eligible for appointment as a teacher. The salary and allowance payable to and terms and conditions of service of teacher shall be such as may be prescribed. कि teachers को जो भी उनके salary allowance है वो payable होना चाहिए और दूसरा जो teachers appoint होंगे वो according to the rules, according to the norms of the government ही होंगे. नेक्स्ट इज पीपल टीचर रेशियो. कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट द पीपल टीचर रेशियो एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इज मेंटेन्ड इन ईच स्कूल. कि जैसे कि एक रूल होता है कि 30 बच्चों पे एक टीचर काम करेगा एक सेक्शन में, अबव 30 बच्चे होने पर अरेंजमेंट्स डिफरेंट होते हैं.
तो ये कुछ पेपर टीचर रेशियो बनाई जाती है जिसपे कि हर 6 मंथ्स के बाद चेकिंग होनी चाहिए और उन पेपर टीचर रेशियो पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज क्यूरिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर। द क्यूरिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी लेट डाउन बाय एन एकेडमिक अथॉरिटी टू बी स्पेसिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। कि क्यूरिकुलम जो बनाया है और उसको जो इवेल्युएट करना है उसका क्या प्रोसीजर स्कूल फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से उस पर टीचर्स काम कर रहे हैं, क्या स्कूल अथॉरिटी ने प्रोग्राम्स बनाए हैं क्यूरिकुलम को कम्प्लीट करने के और इवेल्युएट करने के, उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अ स्कूल शैल कॉन्स्टिट्यूट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड इन द स्कूल एंड टीचर्स। कि एक प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए जो कि हर काम पे ध्यान दे कि कौन से कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, अगर कोई काम नहीं कम्प्लीटली हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कमेटी को काम करना चाहिए। तो ये था मेरा सेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।